नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाले पुरस्कार राशि को भी 5000 से बढ़ाकर 8000 किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 1,28,947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है, जिनको UDID कार्ड जारी किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य श्रव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्री ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लॉक में कक्ष सहायक तथा कंप्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल फनई तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आज मैंने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हमने वृद्ध और वृद्धा को पेंशन देने का निर्णय लिया। और आज मेरे पास जो सूचना आई है विभाग की, लगभग 80,000 नए लोगों ने आवेदन किया है और उसको हम इसी महीने पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमारे जो लाभार्थी बड़े हैं, मैं उन वृद्ध और वृद्धा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बीच हमने जो दिव्यांग पेंशन की जो धनराशि थी, हमने उसको 3000 से बढ़ा के 8000 की है। हमने प्रत्येक जनपद में दिव्यांग कैंप लगाने का विचार किया है और 13 के 13 जनपद में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और जो वित्त निगम है, हमारे वित्त निगम से हम ऋण शिविर भी हम लगाने जा रहे हैं। तो 13 के 13 जनपदों में हमारे माननीय विधायकगण रहेंगे, माननीय मंत्रीगण रहेंगे, कहीं मैं रहूँगा और कहीं हम वर्चुअली जोड़ेंगे। और हम जो ये वो श्री योजना है, जिसमें हम दिव्यांगों को यंत्र बांट रहे हैं, उस यंत्रों का भी हम वहाँ वितरण करेंगे। कौन सी योजना? वयोश्री योजना में हमने ये बांटने का हमने निर्णय लिया है। हमारे पास लगभग अभी 4,962 दिव्यांग को पेंशन मिल रही है और लगभग 4,962 दिव्यांग को इसमें पेंशन मिल रही है। और हमने दिव्यांगों को, जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं, उनको नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। और जल्दी आयोग और इनको लिखा है कि